नमस्कार, मैं नाजिया फारूकी, ललित समाचार में आपका स्वागत है। कालका के लोगों ने और भाजपा कार्यकर्ताओं ने, कालका भाजपा व्यापार मंडल ने किया बहिष्कार। बाहरी कैंडिडेट का भाजपा संगठन की मीटिंग में हुआ जमकर विरोध। बाहरी कैंडिडेट नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। कालका रायपुर रानी के बीडीसी मेंबर ने भी किया बाहरी कैंडिडेट के आने का विरोध। का लोकल कैंडिडेट का हम करेंगे समर्थन, जो हमारी पिछले 10 सालों से कर रहा है सेवा। बाहरी कैंडिडेट को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। हम यहां सभी आज इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कालका हलके से जो भी उम्मीदवार खड़ा हो वो बिल यहीं का लोकल बंदा हो। ये ना हो कि कोई बाहर के उम्मीदवार को टिकट दे, उसका खामियाजा बीजेपी सरकार और सैनी सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो हमारी यही अपील है कि यहीं के लोगों के उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, और हम टिकट देंगे तो हम उसका फुल सपोर्ट करेंगे, वरना हमारा बटन नोटा पे दबाया जाएगा और उसका खामियाजा बीजेपी का और अपना नायब सैनी सरकार अपना भुख देगी। और हम अपने अपने पद से इस्तीफे देंगे सभी। हाँ, हम अपने पद से। और हमारा युवा कैंडिडेट भी चाहता है कि युवा कैंडिडेट क्या, आप कहीं से भी सीट दो, किसी भी उम्मीदवार को दो, वो सभी यही चाहेंगे कि लोकल उम्मीदवार को सीट मिले। वो चाहे कोई भी हो, आपके प्रदेश के अध्यक्ष में किसी की भी सीट हो किसी प्रदेश में, तो भाई हमारा यही है कि कालका सीट से लोकल उम्मीदवार को टिकट दिया जाए ताकि हम उसकी सपोर्ट करें। लेकिन अगर लोकल उम्मीदवार को टिकट नहीं दोगे तो हम नोटा का बटन दबाएंगे। बस यही हम इकट्ठे हम इसलिए ही हुए हैं कि लोकल उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि हल्का कालका में भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी पैराशूट कैंडिडेट को उतारा जा रहा है, तो ये पार्टी के और कालका के हित में नहीं रहेगा, क्योंकि जो बाहरी उम्मीदवार होगा उसको कालका की जो कमियां हैं उनके बारे में नहीं पता है, कालका के लोगों की सी जरूरत है उसका नहीं पता है। तो जिस प्रत्याशी ने, जिस कैंडिडेट ने, जिस नेता ने 5 साल रह करके भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, लोगों के सुख दुख में जो साथ रहे हैं, तो उनको ही टिकट का जो दावेदार है वो रहना चाहिए। और अगर किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट देते हैं तो ये पार्टी के भी हित में नहीं रहेगा और कालका के लिए भी ये एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो अगर कालका की सीट भारतीय जनता पार्टी को जीतनी है तो उस उम्मीदवार को टिकट दें जो लगातार 5 साल से जनता के बीच में रह रही है, लोगों के सुख दुख में काम कर रही है। धन्यवाद। लोकल कैंडिडेट ही हमारा समस्या समझेगा, हमारी जो हमारे बीच का ही बंदा होगा, और लोकल को ही हम वोट पाएंगे, बाहर के कैंडिडेट को वोट नहीं पाने जाते। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं परविंदर सिंह, वार्ड नंबर 19, सदस्य भारतीय जनता पार्टी, और मेरे साथ एक्स पंतमाला कुलदीप जी, हरविंदर सिंह नागरा लोगर, गुरदेव सिंह ग्रेवियंस मेंबर हरियाणा गवर्नमेंट, और मेरे मार्केट के कुछ सदस्य हैं, जो कि तुरंत एक मीटिंग बुलाई गई है जो इस बारे में है कि बाहर से पैराशूट के किसी उम्मीदवार की संभावना कालका कंस्टिट्यूएंसी के लिए जताई जा रही है। और हम आज इस उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे किसी लोकल कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारा राज्य का जो नेतृत्व है वो उन्हें चिन्हित करें और हमारे बीच में हमारे लोकल किसी भी कार्यकर्ता को विधानसभा का टिकट देने की कृपा करें। हम केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद। और नमस्कार जी, मैं एक सरपंच दुमाला कुलदीप सिंह, मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें जो पता लग रहा है सोशल मीडिया से कि यहाँ पे हमारे कालका विधानसभा में पैराशूट उम्मीदवार उतारा जा रहा है, हमारे यहाँ से लोकल कोई भी हो उसको टिकट दी जाए, नहीं तो हम यहाँ डटकर विरोध करेंगे बाहरी उम्मीदवार का। धन्यवाद। जयकारा श्री कालका महामाई जी का बोल सच्चे दरबार की जय। अभी हम सारे दुकानदार, व्यापार मंडल के सदस्य,
कालका सभी इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इलेक्शन का समय है और टिकट वितरण हो रही है। हमारी एक ही मांग है, कालका से लोकल उम्मीदवार को टिकट दिया जावे। जिसने 10 साल काम किया है उसको टिकट दिया जावे, ना कि कोई बाहर से हेलीकॉप्टर से आकर के टिकट लेवे। हमें पैराशूट उम्मीदवार नहीं चाहिए। ये हमारे प्रधान नरेश मंगला जी हैं, ये हमारे चेयरमैन साहब हैं और ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं श्री भूषण जी, संदीप गर्ग जी और नरेश मंगला जी। ये अपने अपने विचार रखेंगे, अपने अपने बात एक एक मिनट में कहनी है। धन्यवाद। बोलिए। मैं संदीप गर्ग, चेयरमैन व्यापार मंडल कालका, हाई कमान से उम्मीद करता हूँ कि हमारे कालका हलका में जो MLA के इलेक्शन की टिकट वितरित की जा रही है, वो किसी ऐसे उम्मीदवार को दें जो जिसे हलके में हर गली कोने में उनकी पहचान हो, हर गली कोने में जिनके लिए वो सदैव खड़े रहे हों, हर एक के सुख दुख में वो जिन्होंने हमेशा साथ दिया हो, ऐसे उम्मीदवार को हम कालका हलके से ही कैंडिडेट के तौर पे चाहते हैं और यकीन दिलाते हैं भाजपा हाईकमान को, अगर ऐसा कैंडिडेट हमारा लोकल कैंडिडेट हमारे यहाँ से उम्मीदवार उतरा तो उसकी भारी मतों से विजयी होगी। बोलो साचे दरबार की जय। मंगला जी, मैं नरेश मंगला, प्रधान व्यापार मंडल कालका, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से एक ही अपील करते हैं, महामाई की कृपा से ऐसे स्थानीय आदमी को, किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए जो हमारे हमें जो सारे बारे में जानता है, और स्थानीय हमारा जो हमारा कैंडिडेट होगा वो जो बरसों से हमारे साथ जुड़े हैं वो सारे जानते हैं, चाहते हैं कि गली को मोहल्ले को सारे जानते हैं। तो हमारी बार बार अपील पार्टी हाईकमान से यही है कि स्थानीय उम्मीदवार को तरजीह दी जाए, तो पैराशूट से हमारे को उम्मीदवार ना हो, क्योंकि स्थानीय उम्मीदवार को सभी हमारे बारे हमारी समस्याओं के बारे में जानकारी है, और जैसे ही हमारे को लोकल हमारा उम्मीदवार मिलेगा तो हम उसका तन मन धन से साथ देंगे और अवश्य वो यहाँ से उसे अभी भारतीय जनता पार्टी की सीट जीत। मैं भूषण मित्तल कालका से व्यापार मंडल का जनरल सेक्रेटरी हूँ, इसके साथ साथ एक समाज सेवक भी हूँ। मैंने दो दिन से ये रोला पड़ रहा है कि बाहर से कोई हमारा कालका के अंदर नेता आ रहा है जिसको टिकट की वितरण की बात चल रही है। मैं पार्टी के हाईकमान आलकमान अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि कालका के अंदर लोकल उम्मीदवार को टिकट दी जाए, ताकि उसको भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर हम भेजेंगे। इस चीज़ का ये कालका शहर का मैं अकेला आदमी नहीं कह रहा, कालका शहर के ग्राम तौर पर बड़ा भारी चीज़ का रोष है कि बाहर से कोई कैंडिडेट यहाँ पर आके इलेक्शन लड़ रहा है। जो यहाँ पर भाजपा की भूमिका बनी हुई है वो सिर्फ लोकल कैंडिडेट से बनी हुई है, बाहर के कैंडिडेट से कोई भूमिका नहीं है। मैं इस चीज़ से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर कालका के अंदर स्थानीय लोकल कैंडिडेट ना उतारा गया तो भाजपा को इस सीट से भी खतरे की उम्मीद समझ के चलना। अगर 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 कालका के अंदर लोकल उम्मीदवार उतारा गया तो महामारी से डर के कहता हूँ बहुत अच्छी मतों से हम उसको विजयी बनाकर भेजेंगे। इस चीज का मैं दुकानदार होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हम कालका विधानसभा क्षेत्र से, कालका कॉन्स्टिट्यूएंसी से बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे पैराशूट उतारा गया तो हम बीजेपी पार्टी से रिजाइन देंगे। अब तक तो बीजेपी पार्टी में थे, जो यहाँ पे 5 साल से सेवा कर रहे हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। जो यहाँ पे 5 साल से सेवा में सेवा गाँव की सेवा कर रहे हैं उन्हें टिकट मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे पैराशूट कोई कैंडिडेट उतारा गया तो हम पार्टी से रिजाइन देंगे। भारत माता की जय। मैं पूर्व चेयरमैन ब्लॉक समिति रायपरानी, हम लोगों ने सलाह बनाई है सभी ने इकट्ठे होकर कि अगर यहाँ कालका में कोई पैराशूट कैंडिडेट उतारा गया तो हम सभी पार्टी से रिजाइन दे देंगे, और रिजाइन दे देंगे, ना हम किसी के साथ लगेंगे ना कुछ। दूसरी बात, अगर यहाँ पैराशूट कैंडिडेट उतारा गया तो हार ही हारेगा। अगर यहाँ लोकल कैंडिडेट को किसी को भी टिकट दी गई तो उसकी जीत निश्चित है, और पैराशूट कैंडिडेट उतारने के बाद कालका पर तो असर पड़ ही पड़ेगा। इसके साथ नैनगढ़ और अम्बाड़ा
अंबाड़ा कैंट पर भी बहुत असर पड़ेगा, इनको भी बहुत फर्क पड़ेगा, यहाँ से भी कुछ भी हो सकता है। और हम सभी अर्जाइन देने के लिए तैयार बैठे हैं, अगर पैराशूट कैंडिडेट उतारा गया तो।